स्टार्ट। महोदय, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपये की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने ना दे। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करें, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे, अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के
संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ।